इसके आगे रूल नंबर टू क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो बदलता है। जैसे रीता सेठ, ये पास्ट में है ना, तो पास्ट में है तो इसका टेंस में बदलेगा ना। रीता सेठ ही इज प्लेइंग टेनिस, तो रीता के बदले रीता, सेठ के बदले सेठ, कॉमा के बदले दैट, ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन रूल करता है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। ही के साथ इज लगेगा तो यहाँ पे ही के साथ वोज लगेगा, क्योंकि इज एमआर को वोज वर्ब में बदलेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है अपना रिपोर्टिंग वर्ब, प्लेइंग का प्लेइंग, टेनिस का टेनिस। इस तरह से हमने क्या देखा, पर्सन का की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन दे या पुलन है, ही सी इट या सी वन है। रूल इसका ये है कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरह से हमने नरेशन के दो रूल देखे, और इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।